हेलो मेरी नमस्कार स्वागत करता हूं मैं प्रोफेसर सुनील अभ्यक्ति आप सभी का अपने इकोनॉमिक्स की क्लास में आज हम लोग पहुंच गए हैं अर्थशास्त्र के लेक्चर टू यानी आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का परिचय और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि यह चैप्टर क्यों हम पढ़ें मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर से डायरेक्ट एक या एकाध प्रश्न आ सकता है जैसे जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जैसे मिक्सड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा से कथन सही है इस प्रकार का चूंकि इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी के कल्चर को अपनाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था की संस्कृति को अपनाता है तो शायद एक क्वेश्चन आपको यहां से मिले अदरवाइज आज का जो लेक्चर है या जो भी प्रिलिम्स के प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों की भाषा को समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है नोट कर लीजिए फिर से यानी आज के लेक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है तो आज के लेक्चर की इंपॉर्टेंस है जो भी प्रश्न इकोनॉमिक्स के सत्रह से बीस प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों की भाषा को समझने में आज का लेक्चर आपकी बहुत मदद करेगा नंबर एक नंबर दो यानी अर्थशास्त्र में जितने भी आगे के चैप्टर हैं उन चैप्टर्स को समझने में आज का लेक्चर क्या एक बेस का काम करेगा इसलिए डायरेक्ट प्रश्न यहां से ना आते हुए भी संपूर्ण इकोनॉमिक्स को समझने की दृष्टि से आज का यह लेक्चर अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और आज के लेक्चर में क्या क्या खास है उस विषय पर हम बातचीत कर लेते हैं इन साइड दिस देखने वाले हैं तो सबसे पहले इस लेक्चर में आज हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण यानी एडम स्मिथ एटीन सेंचुरी के महान अर्थशास्त्री अठारहवीं शताब्दी के एडम स्मिथ और उन्हीं को अर्थशास्त्र का फादर इकोनॉमिक्स का फादर अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है तो एडम स्मिथ से हम अपनी बातचीत स्टार्ट करेंगे हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यानी प्रीलिम्स के लिए इनकी इंपॉर्टेंस यहां बिल्कुल भी नहीं है इसलिए अगर हम इनका जिक्र ना भी करें तो भी चल जाएगा बच्चों पहले ही मैं अपनी लिमिटेशन बता दे रहा हूं कि आप लोगों को यहां क्या करना है ध्यान रखना है कि हमारा पूरा फोकस प्रिलिम्स पर है इसलिए उन्हीं चीजों पर जोर दिया जाएगा जो प्रिलिम्स के कॉन्सेप्ट को समझने में आपकी मदद करेंगे तो ये मत सोचिएगा कि सर स्पीड से चले गए या नहीं गए जो भी करेंगे एकदम प्रिलिम्स के लिए फोकस रहेंगे मुख्य परीक्षा पर यहां पर फोकस नहीं है हम इसलिए सतर्क रहिएगा तो हालांकि फिर भी इनकी डेफिनेशन जो है उससे हम अपनी बातचीत स्टार्ट करेंगे जिसमें ये अर्थशास्त्र के बारे में कहते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है मेरे प्यारे बच्चों तो ये कहते हैं अर्थशास्त्र धन के अध्ययन का विज्ञान है याद यानी वेल्थ का साइंस है हम ऐसा कह सकते हैं तो धन यानी वेल्थ के अध्ययन का विज्ञान है यानी इसको विज्ञान कहते हैं इसीलिए मैंने कहा बड़ा महत्वपूर्ण है ध्यान रखेगा तो इसमें अब अर्थशास्त्र क्या है ठीक है अर्थ व्यवस्था अर्थशास्त्र में क्या अंतर है इन सब विषयों में मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि मेरा पूरा टारगेट अट्ठाइस मई है मेरे प्यारे बच्चों है तो ये मत समझिएगा अगर यार सर ने तो बेसिक क्लास बताई ये नहीं बताया अर्थव्यवस्था क्या अर्थशास्त्र क्या है इस प्रकार की क्लास लेनी है तो कृपया बहुत जगह अवेलेबल है हम लोग केवल मई पर फोकस है इसलिए काम की बात करेंगे अब आप कहेंगे क्या सर एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दी है ये आएगी हम कहेंगे नहीं लेकिन इसको हम इंटरलिंक करेंगे उन्होंने कहा धन के अध्ययन का विज्ञान है और इस विज्ञान में किस किस चीज का अध्ययन किया जाता है यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है किसका उत्पादन यानी प्रोडक्शन कैसे होता है फिर वितरण कैसे होता है डिस्ट्रीब्यूशन और फिर इसके बाद खपत यानी कंजम्पशन तो अर्थशास्त्र इन्हीं तीनों का अध्ययन है कंजम्पशन यानी खपत का उत्पादन वितरण और खपत का अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं तो इसका मतलब है प्रिलिम्स के लिए हमें ध्यान में रखना है कि उत्पादन हम कहां से करते हैं जैसे ही हम उत्पादन कहां से करते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में आएगा प्राइमरी सेक्टर तुरंत आएगा सेकेंडरी सेक्टर तुरंत आएगा टर्सरी सेक्टर और मेरे प्यारे बच्चों इन सेक्टर्स को मदद कहां से मिलती है तो इन सेक्टर को मदद मिलती है भाई जो हमारी जीडीपी बन रही है कुल तो उसमें प्राइमरी सेक्टर की क्या भूमिका है सेकेंडरी सेक्टर की क्या भूमिका है टर्सरी सेक्टर की क्या भूमिका है जरा समझिए और इन तीनों सेक्टर्स को सहायता देने के लिए हमारी क्या क्या नीतियां हैं, यानी इनको हम कैसे वित्तीय रूप से समर्थन देते हैं फाइनेंशियली कैसे इन्हें समर्थन देते हैं यानी बैंक और नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, उनकी क्या भूमिका है यह भी हमें पढ़ना पड़ता है और प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है इसके साथ साथ जो हमारी राजकोषीय नीतियां हैं यानी सरकार की जो राजकोषीय नीति है जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह और अन्य नीतियां जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर के लोग इन्वेस्टमेंट करने को उत्साहित होते हैं वो सारे विषय हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब जब एडम स्मिथ साहब कहते हैं कि अर्थशास्त्र उत्पादन वितरण और खपत का विज्ञान है तो इसका मतलब है उत्पादन से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं वो आपको जाननी है और वहां से प्रिलिम्स के प्रश्न है यानी एग्रीकल्चर कृषि और उसकी सहायक गतिविधियां हमारे यहां किस प्रकार का ट्रेंड प्रदर्शित कर रही है तो जब हम इकोनॉमिक सर्वे आप लोगों को इसी चैनल पर पढ़ाए हैं इकोनॉमिक सर्वे ध्यान रखिएगा ठीक है क्या इकोनॉमिक सर्वे तो आप इकोनॉमिक सर्वे से एग्रीकल्चर वाला चैप्टर रिवीजन करें इंडस्ट्री वाला चैप्टर रिवीजन करें और सेवा क्षेत्र वाला चैप्टर रिवीजन करें इसके साथ साथ वित्तीय यानी बैंकिंग सेक्टर और नॉन बैंकिंग सेक्टर के बारे में इकोनॉमिक सर्वे में पूरा एक चैप्टर है उसको आप ध्यान दें मुद्रा स्फीति वाला एक चैप्टर है उस पर पूरा पूरा ध्यान दें और उसके साथ साथ राजकोषीय घटना क्रम वाला पूरा एक चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे में उस पर ध्यान दें तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या दिया सबसे पहले आज आपको रिवीजन का मंत्र और वह रिवीजन का मंत्र मैंने दिया किसके हिसाब से एडम स्मिथ की डेफिनेशन के हिसाब से कि एडम स्मिथ साहब कहते हैं कि अर्थशास्त्र तो तो धन के अध्ययन का विज्ञान है और इस विज्ञान में हम पढ़ते हैं उत्पादन वितरण और खपत के बारे में तो उत्पादन से संबंधित समस्त जो स्ट्रक्चर है वो इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है दो हजार का इकोनॉमिक सर्वे जिसको मैंने इसी चैनल पर डिटेल में कराया हुआ जिसका मतलब रिवीजन करते रहिए इकोनॉमिक सर्वे का अब मेरे प्यारे बच्चों वितरण की बात आती है ऑब्वियस है वितरण में क्या जैसे जो हमारे प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है तो वितरण में क्या जैसे एग्रीकल्चर में जो उत्पादन हुआ उसके वितरण की हमारे पास क्या व्यवस्था है ठीक है गरीबों तक जो खाद्यान्न पहुंचाने की हमारे पास क्या वितरण की व्यवस्था है किसान जो उत्पादन कर रहे हैं उसको मार्केट तक पहुंचाने की हमारे पास क्या व्यवस्था है जैसे आज ही मैंने हिंदू में पढ़ाया क्या नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी तो मेरा कहने का मतलब है वितरण उत्पादन और खपत यानी खपत कौन करता है तो अभी हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे यानी क्या पढ़ेंगे इकोनॉमी के चार सेक्टर और उसमें से एक होता है घरेलू क्षेत्र हाउस होल्ड उसमें पूरी आबादी शामिल होती है और वही खपत करती है जिस में कंजम्पशन अच्छा है स्वाभाविक तो है उस इकोनॉमी में डिमांड अच्छी होगी और अगर कंजम्पशन अच्छा है डिमांड अच्छी होगी तो उत्पादन भी प्रोत्साहित होगा और इसके माध्यम से इस डिमांड और सप्लाई के बेहतर सर्कुलेशन के माध्यम से इकोनॉमी गतिशील या मोबाइल बनी रहेगी तो सिंपल सी बात है मैंने कहा कि इसके बाद एक हल्का सा मैंने जिक्र किया और इसमें बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं सबसे पहले मैंने इसी से स्टार्ट कर दिया इसके बाद हम लोग यानी इकोनॉमी क्या है तो है दुर्लभ संसाधन जो होते हैं उनको किस प्रकार से नियोजित किया जाए कि वह समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके इसी का अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं दुर्लभ संसाधनों का बेहतर नियोजन किस प्रकार से किया जा सके जिससे कि वो समाज में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को को पूरा कर सके इसी हम अर्थशास्त्र कहते हैं हैं ये सारी बातें आपको लिखी हुई तो इन सब से कोई मतलब नहीं ये क्वेश्चन आपसे पूछने वाला नहीं है ठीक है तो सबसे महत्वपूर्ण जो था वो मैंने कुछ बातें आपको बताई इसके बाद इसमें हम आज बेसिक ही पढ़ेंगे यानी अर्थव्यवस्था के प्रकार ठीक है ना तो हम इसमें या हम देखेंगे अर्थ व्यवस्था में और अच्छा वर्ड आ जाएगा आर्थिक प्रणाली तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि भाई पूंजीवादी व्यवस्था क्या है फिर इसके बाद हम समाजवादी अर्थ व्यवस्था क्या है और फिर हम देखेंगे इसके बाद आपका मिश्रित व्यवस्था क्या है ऑब्वियस है ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि अगर हम मिश्रित इकोनॉमी है और कोई प्रश्न सिंपल पूछा कि मिश्रित इकोनॉमी के बारे में दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही अगर इसके कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से नहीं समझ रहे हैं और ये क्वेश्चन गलत हो गया तो इसी को बोलते हैं सिली मिस्टेक। तो इसलिए यह लेक्चर महत्वपूर्ण तो है चूंकि सिंपल सिंपल चीजें आपको सिखा रहा है फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थ व्यवस्था के या हम कह सकते हैं जीडीपी के ग्रोथ इंजन या अर्थ क्या है जीडीपी के ग्रोथ इंजन या अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र में हम चार क्षेत्र हैं ठीक है सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर सरकारी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर निजी क्षेत्र इसके साथ साथ हाउस होल्ड सेक्टर यानी घरेलू क्षेत्र और एक्सटर्नल सेक्टर यानी वाह क्षेत्र जिसके बारे में अभी मैंने आप लोगों को एक एडिटोरियल कराया जिसमें यह बताया गया कि भारत सरकार की बेहतर निर्यात नीति के कारण इसके साथ साथ पी स्कीम के कारण इसके कारण इसके साथ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के कारण भारत निर्यात में बेहतर कर रहा है अभी मैंने आपको बताया तो एक्सटर्नल सेक्टर याद रखेगा तो जीडीपी के ग्रोथ इंजन भी नहीं हम कह सकते हैं जीडीपी के ग्रोथ इंजन का मतलब कि जीडीपी की समृद्धि इन्हीं चार क्षेत्रों पर डिपेंड करती है अगर ये चारों क्षेत्र अच्छा कर रहे हैं तो हमारी जीडीपी अच्छे से आगे बढ़ेगी तो पूरी अर्थव्यवस्था का जो हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट या निर्धारक यही चार क्षेत्र हैं जिसके बारे में आपको ध्यान से देखना है अगर आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए तो आपके लिए यूपीएससी आसान हो जाएगा इसके साथ फिर हम क्या पढ़ेंगे अगला चीज हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर समस्त आर्थिक स्थिरता समस्त आर्थिक स्थिरता सूचकांक हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर मेरे प्यारे बच्चों इस इसका मतलब क्या होता है समस्ट यानी हम यह भी देखेंगे जैसे इकोनॉमिक्स में दो प्रकार की शाखाएं मानी जाती हैं एक माइक्रो एक मैक्रो तो बच्चे हम यहां माइक्रो के बारे में जो कि किसी विशिष्ट फर्म किसी व्यक्तिगत संस्था के बारे में अध्ययन करता है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यूपीएससी के सिलेबस का विषय नहीं इसलिए उसको हम बाहर करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इक्वल टू नेशनल इकोनॉमी समस्ट अर्थशास्त्र मतलब नेशनल इकोनॉमी आपकी राष्ट्रीय व्यवस्था तो हम लोग मैक्रो इकोनॉमी पढ़ेंगे वही हमारे यूपीएससी के सिलेबस का पार्ट है इसलिए यहां पर आपको टेक्निकलिटी सिखाने की बजाय सीधा प्रिलिम्स पर फोकस करेंगे और ध्यान रखिएगा कंटेंट में इकोनॉमिक सर्वे लगा हुआ है तो पूरा फोकस हमारा प्रिलिम्स पर है इसको आप ध्यान में रखिएगा तो समस्ट आर्थिक स्थिरता सूचकांक अब कौन कौन से सूचकांक होते हैं जिस पर आपको फोकस रहना है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं जिस पर आपको फोकस रहना भाई सबसे पहले फोकस रहना है कि हमारा हमारी राजकोषीय स्थिति फिजिकल कंडीशन कैसी है ठीक है यानी सरकार की आय और व्यय का अंतर कैसा है राजकोषीय घाटा कितना है राजस्व मतलब उनके पास कितना आ रहा है तो राजकोषीय स्थिति अगर ये प्लस है तो हम कहेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर पर हम मजबूत हैं <coughs> इसके बाद राजकोषीय स्थिति के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण होता है मुद्रा स्फीति कैसी है ठीक है ना मुद्रा स्फीति अगर नियंत्रित है तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर मजबूत और नियंत्रित का मतलब कि जो आरबीआई ने निर्धारित किया है फोर प्लस माइनस टू अगर उस दायरे के बीच में है देन हम कहेंगे हमारा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर अच्छा है तो अब ये सब देखिए क्यों महत्वपूर्ण है ये सारी बातें जाना मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेट बच्चे अगर मान लीजिए प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्तमान के संदर्भ में कौन सा से कथन सही है यानी इंडियन इकोनॉमी की प्रेजेंट कंडीशन पर आपसे क्वेश्चन पूछता है और उसमें यह वर्ड लगा दे पहला पॉइंट कि समस्ट आर्थिक स्थिरता पहला पॉइंट लिखे कि भारत में समस्ट आर्थिक स्थिरता व्यापक रूप से मौजूद है या व्यापक रूप से दिखाई पड़ती है यानी या सकारात्मक इसका रुख दिखाई देता है यानी समस्ट आर्थिक स्थिरता का रुख सकारात्मक है तो इसका मतलब है अब आप कहेंगे समस्ट आर्थिक स्थिरता का रुख सकारात्मक है अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या इसका क्या मतलब है तो जिन बच्चों ने पढ़ा भैया समस्त आर्थिक स्थिरता में राजकोषीय स्थिति तो हम सकारात्मक कहें राजकोषीय घाटे में एफआरबीएम एक्ट के जो टारगेट रहे हैं उससे हम बहुत दूर हैं और मुद्रास्फीति भी हमारी ऊपर है जो हमारी अपर थ्रेश है उससे ऊपर है तो आप कहेंगे नहीं भाई पहला वाला गलत है इसीलिए मैंने कहा कि ये जो आज का लेक्चर है यह लेक्चर आपकी मदद करेगा किस चीज को समझाने में यानी जो प्रश्नों की भाषा है उसको समझाने में आपकी मदद करेगा और कोई भी चीज जो मैं यहां समझाऊं अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा सर ये वाला पॉइंट एक बार पुनः समझा दे मैं अगले दिन आकर के वह पुनः समझा दूंगा लेकिन उम्मीद करता हूं कि ऐसी कोई स्थिति बनेगी नहीं क्योंकि आप सब यूपीएससी चैनल पर इकोनॉमिक्स मुझसे पढ़ चुके हैं उसके साथ साथ आप इकोनॉमिक सर्वे मुझसे लगातार पिछले कई सालों से पढ़ रहे हैं इस साल वाला भी मैंने करा दिया है और उसके साथ अब हम बेसिक इकोनॉमिक्स यानी इस टारगेट के साथ 17 से 20 क्वेश्चन हम सबके सब हल कर सके इस पर मैं आपके साथ काम कर रहा हूं जिसमें डेढ़ साल का करंट अफेयर्स पूरा शामिल है ये याद रखिएगा तो परेशान नहीं होना है। तो मैंने बताया कि भाई आज हम क्या पढ़ रहे हैं ठीक है और क्या हमें पढ़ना चाहिए वही सारी बातें मैं कर रहा हूं तो सबसे पहले मैंने एडम स्मिथ की परिभाषा आप लोगों के सामने रखी कि अर्थशास्त्र धन के अध्ययन का विज्ञान है और विज्ञान में किस किस चीज पर फोकस है तो यानी अर्थशास्त्र के विज्ञान में उत्पादन पर वितरण पर खपत पर यानी इन्हीं तीन चीजों पर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते समय आपको ध्यान में रखना उत्पादन अब उत्पादन को कैसे समझना है इसमें उत्पादन अब उत्पादन का मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर में जो हम उत्पादन कर रहे हैं कृषि और उसकी सहायक गतिविधियां कृषि वान की ठीक है पशुपालन मत्स्य पालन ये सारे कुक्कुट पालन ये हो गया और सेकेंडरी यानी उद्योग और टर्सियरी यानी सेवा इन तीनों क्षेत्रों को हम सपोर्ट करते हैं कैसे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके कैसे यानी बैंकों के द्वारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा आसान शर्तों पर क्रेडिट उपलब्ध करा करके तो इससे यह प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज क्या होती है आगे बढ़ती है और राजकोषीय नीति के द्वारा राजकोषीय नीति के द्वारा भी हम विकास के इन तीनों आधार स्तंभों को क्या करते हैं सहायता प्रदान करते हैं तो मैंने बताया भाई वो यही कहना चाह रहे उत्पादन और उत्पादन को सहायता प्रदान करने वाले फैक्टर्स प्रीलिम्स में क्वेश्चन के रूप में आएंगे ऐसा मैं नहीं करा। कह रहा हूं और फिर वितरण तो ऑब्वियस है जो भी हम उत्पादन कर रहे हैं उसके वितरण के लिए जो भी सरकार की नीति है उस पर हमें फोकस करना है वो मैंने इकोनॉमिक सर्वे में डिटेल से सब बता ही दिया है और फिर आता है कंजम्पशन यानी खपत कि हमारी मार्केट की डिमांड कैसी है एक या हमारी वस्तुओं और सेवाओं की विदेश में डिमांड कैसी है तो विदेश में डिमांड होगी तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और अगर घर में डिमांड होगी जिसको हम कहते हैं डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ रहा है दोनों ही परिस्थितियों में अगर कंजम्पशन बढ़ता है तो जो हमारा सेकेंडरी या प्राइमरी या टर्सरी सेक्टर है जिन जिन वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है उनके उत्पादन के लिए उसके उत्पादक प्रोत्साहित होते क्या होते हैं उसके उत्पादक प्रोत्साहित होते हैं उनके अंदर एनिमल स्प्रिट आती है और फिर उत्पादन बढ़ता है डिमांड बढ़ी हुई है उत्पादन भी बढ़ रहा है डिमांड और सप्लाई का बेहतर संतुलन बन के हमारी इकोनॉमी साइक्लिक चक्रीय रूप से जीडीपी की बेहतर समृद्धि के साथ आगे बढ़ रही है यह हम एडम स्मिथ के तीन जो बिंदु हैं उनके उनकी अर्थशास्त्र की परिभाषा के उसके द्वारा सीख पा रहे एक बार कमेंट करके बताएं बच्चों एकदम से सौ परसेंट समझ में आया कि नहीं इतना एडम स्मिथ वाला 100 समझ में आया कि नहीं आए बच्चे फटाफट बताएं एडम स्मिथ वाला सौ परसेंट समझ में आया कि आएगा सौ परसेंट लिखे सौ सौ हंड्रेड 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 चल बच्चे फटाफट मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं समझा रहा हूं मैं इसलिए चाहना चाह मतलब आपसे कह रहा हूं चूंकि ये सब जब आप समझे रहेंगे ना तो आपको लगेगा क्यार सर ने तो इनकी डेफिनेशन पर ही पूरा इकोनॉमिक्स चिपका दिया आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा यार अगर ऐसा है तो प्रिलिम्स में कोई भी प्रश्न आएगा जिसमें थॉट्स होंगे 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 विचार मैं आइडिया लगा ले जाऊंगी मैं आइडिया लगा ले जाऊंगा याद रखेगा ठीक है बच्चे तो ये हो गया एक चीज यहां पर आपको मैंने समझाई सबसे पहले डेफिनेशन के आधार पर कि हमें फोकस कहां करना है डेफिनेशन नहीं पढ़नी है फोकस कहां करना है यानी ये बता रहा है कि अगर इसी इतने सेक्टर पर आप फोकस रहेंगे तो प्रीलिम्स आप पास हो जाएंगे यानी प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर सेक्टर में मैंने इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में जो भी ट्रेंड और फैक्ट्स जो भी पढ़ाए हैं उसको बार बार सुन लीजिए तो आपका काम हो जाएगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा एडम स्मिथ कह रहे क्योंकि उत्पादन की समस्त प्रक्रिया वहां पढ़ लेंगे वितरण की समस्त प्रक्रिया वहां पढ़ लेंगे खपत की समस्त प्रक्रिया वहां पढ़ लेंगे इसके साथ साथ जब उत्पादन होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सियरी में तो उसके सहायक होते हैं भाई उत्पादन तो अगर आप मुद्रा बैंकिंग और मुद्रा स्फीति वाला चैप्टर पढ़ लें उसके साथ साथ राजकोषीय घटनाक्रम पढ़ लें और एक बचता है एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ लें तो फिर आपका इकोनॉमिक्स यहीं तैयार हो गया आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं इसका मतलब फिर से कि बच्चे इकोनॉमिक सर्वे में जो मैंने पढ़ा है उसको एक्स स्पीड करके आप पढ़ते रहिए सुनते रहिएगा वहीं से आपका प्रीलिम्स हो जाएगा ठीक है बच्चे तो ये हो गया आप यहां से देख सकते हैं तो पहली चीज ये मैंने आप लोगों को बताई उसके बाद मैंने कहा कि हम पढ़ेंगे दूसरी चीज कि जो हमारी अर्थ व्यवस्था है उसमें एक आर्थिक प्रणाली होती है इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं समाजवादी मिश्रित तो आगे नोट्स में लिखा हुआ पूंजीवादी में क्या भैया यानी पूंजीवादी में प्राइवेट एंटिटीज यानी निजी फर्में निजी इकाइयां, निजी उद्यम की केंद्रीय भूमिका है सरकार की भूमिका नहीं है इनकी भूमिका है और ये प्रॉफिट के लिए काम करते हैं और फिर दूसरा समाजवादी यानी इसमें सरकार की भूमिका हो जाती है यानी जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पर सरकार का नियंत्रण होता है यानी सरकार की भूमिका केंद्रीय हो जाती पूंजीवादी जैसे अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं समाजवादी जैसे रशिया की अर्थव्यवस्था और मिश्रित जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद यानी जिसमें निजी क्षेत्र को भी महत्व होता है प्लस यानी सरकारी क्षेत्र को भी महत्व होता है इसे हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था जो हमारे प्यारे देश भारत की है तो तीन प्रणालियां जिसमें एक प्रश्न आपसे है क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा से सही है ऐसा आपसे पूछ सकता है तो आपको सतर्क रहना जिसमें निजी और सरकारी दोनों विशेषताएं हो उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं सिंपल सी बात है सामान्य शब्दों में आप ऐसे ही समझ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों मैंने बताया जीडीपी ग्रोथ इंजन यानी चार क्षेत्र हैं सरकारी क्षेत्र निजी क्षेत्र घरेलू क्षेत्र और वाह क्षेत्र इसका मतलब है कि हम प्रीलिम्स के लिए फोकस करें किस पर सरकारी क्षेत्र घरेलू क्षेत्र निजी क्षेत्र और वाह क्षेत्र अब मुझे आप बताइए मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं और आपके लिए इसके माध्यम से इकोनॉमिक्स में सभी प्रश्न हल करना आसान बनाता हूं आप सब मुझे बताइए कि क्या पूरी इकोनॉमी में सरकारी क्षेत्र की भूमिका इस समय क्या है आपको पता है कि नहीं पता निजी क्षेत्र की क्या भूमिका है क्या इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के आपको समझ में आया कि नहीं हाउस होल्ड सेक्टर की क्या भूमिका है क्या आपको पता है कि नहीं और चौथा एक्सटर्नल सेक्टर की क्या भूमिका है आपको पता यही चार चीज तो आपको देखनी है कि जीडीपी के निर्माण में इन चारों की भूमिका क्या है तो आपको अच्छे से पता है सरकारी क्षेत्र की सबसे ज्यादा भूमिका किसकी निजी क्षेत्र की जिसे हम क्या कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजन एक्सपेंडिचर निजी अंतिम उपभोग व्यय कितना खर्च करता कमेंट करके बताइए जी हमारी जीडीपी का यही है दूसरे स्तर पर कौन आता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इसमें किसकी किसकी भूमिका होती है कैपिटल के फॉर्मेशन में इसमें किसकी भूमिका होती है यानी सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों की और फिर सरकार भी कुछ खर्च करती है सरकारी सेवाओं को संचालित करने के लिए जिसे हम गवर्नमेंट क्या कहते हैं सरकारी अंतिम उपभोग और अंत में हमारा एक्सटर्नल सेक्टर हम तो इन्हीं चीजों पर फोकस रहना है और आपको इकोनॉमिक सर्वे पर ताबड़तोड़ निगाह बनाए रखनी मैं स्पष्ट कह रहा हूं इसीलिए मैंने बताया कि मैंने डिटेल से कराया और फिर इसके बाद हमने अगली बात की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर के बारे में समस्त आर्थिक स्थिरता सूचकांक के बारे में यानी हमें ध्यान रखना है कि माइक्रो माइक्रो के चक्कर में नहीं पढ़ना हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पर बस ध्यान रखना है और वही है नेशनल इकोनॉमी वही है आपके प्रीलिम्स का सिलेबस दैट्स इट ठीक है तो उसमें हमने क्या पढ़ा राजकोषीय स्थिति ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसे ऑब्लिक किन है जीडीपी के मुख्य ग्रोथ इंजन के रूप में स्वीकार किया जाता है अब जिसको पता है है वो टप से देगा ये ये आपसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से से कौन सा ऑब्लिक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर है या नहीं है समस्त आर्थिक स्थिरता सूचकांकों में निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है किसको शामिल नहीं किया जाता तो बच्चे समस्त आर्थिक स्थिरता में आप मान लीजिएगा सभी कुछ शामिल है लेकिन खासकर उसमें राजकोषीय स्थिति मुद्रा स्पिति हमारी जो बैंकिंग स्थिति है वह शामिल किया जाता है यानी हमारे बैंक कितने मजबूत है नॉन बैंकिंग जो फाइनेंस कंपनीज वो कितनी मजबूत है यह शामिल किया जाता है हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कितना मजबूत है यह शामिल किया जाता है इसके साथ साथ हमारा एक्सटर्नल सेक्टर वाय क्षेत्र यानी हम निर्यात आयात के मुकाबले कितना निर्यात कर रहे यह शामिल किया जाता है तो यही है संपूर्ण इकोनॉमिक्स जिसके बारे में आपको पढ़ाई करनी है कहीं कुछ भी ना कम ना तो आसान है इकोनॉमिक्स अगर आप इसको बार बार इसी हिसाब से पढ़ते हैं तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी और फिर एक चीज और जिसके इर्द गिर्द इकोनॉमिक्स पूरी घूमती है वो होते हैं क्या है उत्पादन के कारक और उत्पादन लागत तो मेरे बच्चे क्या है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी अगर हम यहीं पर लिख दे उत्पादन के कारक अंतिम चीज आपको तो प्लीज इन सब को ये जो मैंने बताया है प्रीलिम्स के के लिए एक चार्ट बना लीजिएगा जिन बच्चों के पास मेरा पर्सनल नंबर है वो बच्चे मुझे उस चार्ट को अच्छे से ऐसे गंदी राइटिंग में नहीं प्लीज अगर राइटिंग अच्छी नहीं है तो मोटे पेन से स्केच वगैरह से लिखिएगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता फिर देखने का मन ही नहीं करता सुबह से शाम इतना काम करता हूं थका रहता हूं ठीक है तो वो देखने का मन नहीं करता तो एक बड़े से चार्ट में बना करके और चिपका लीजिएगा कि पढ़ना है इस इन्हीं प्राइस पर जो मैंने अभी तक बताया ठीक है तो अब आता है उत्पादन के कारक अरे भाई उत्पादन के कारक क्या होंगे उत्पादन में भूमि या कच्चा माल लैंड या रॉ मेटेरियल पहली चीज तो भाई कच्चा माल ही चाहिए ना किसी चीज को उत्पादित करने के लिए तो भूमि हो गया ये उत्पादन के कारक यानी चार चीजों पर उत्पादन डिपेंड करता है फिर दूसरी चीज क्या होगी श्रम क्या लेबर के बगैर आपके पास कितना भी पैसा है आप उत्पादन कर सकते हैं मुझे बताइए जैसे मान लीजिए मेरे पास खूब पैसा लेकिन इस पैनल के बिना क्या मैं आपको पढ़ा सकता हूं और इस पैनल को उठा के लगाएगा कौन सेट कौन करेगा इसका जो एक्सपर्ट होगा तो इसका मतलब उसके श्रम के बगैर मैं इस पैनल का यूज नहीं कर सकता तो भूमि ठीक है और उसके बाद तीसरी चीज क्या होगी बच्चे पूंजी यानी अगर पैसा नहीं है तो ये पैनल आप खरीद ही नहीं पाएंगे और फिर इसी पैनल के एग्जाम्पल से आप उत्पादन के कारक को समझिएगा और अंतिम होता है उद्यमी अब इन चारों की भूमिका यही होते हैं उत्पादन के कारक बच्चे इन चारों पर आपको फोकस रहना है ठीक है ना जैसे भूमि सुधार अब भूमि सुधार पर लैंड रिफॉर्म पर क्वेश्चन आता अब आपको सोचना चाहिए सरकार लैंड रिफॉर्म क्यों करती क्या कभी आपने इस एंगल से सोचने की कोशिश की इकोनॉमिक्स को कि सरकार भूमि सुधार क्यों करती सोचिए आप अब समझ में आया? अरे यार सरकार भूमि सुधार इसलिए करती क्योंकि भूमि उत्पादन का एक फैक्टर है एक कारक है अगर भूमि सुधार नहीं होगा तो उत्पादन का एक कारक कमजोर रहेगा एक भी कारक अगर कमजोर है तो फिर उत्पादन की प्रक्रिया बाधित हो जाएगी डिस्टरप्ट हो जाएगी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी अब मेंस जब पढ़ाऊंगा तब इसको वहां इंटरलिंक करूंगा जीएफ थ्री इकोनॉमिक्स यूनिट सेवन क्या लिखा हुआ है भारत में भूमि सुधार यूनिट ही है भारत में भूमि सुधार तो भूमि सुधार जब जब किया गया उसके पीछे रीजन यही था क्योंकि भूमि उत्पादन का एक प्रमुख कारक है इसलिए अगर भूमि सुधार नहीं होंगे तो उत्पादन की मुख्य प्रक्रिया कच्चा माल उपलब्ध ही नहीं होगा मजा आया कि नहीं मजा आया इस हिसाब से हम लोगों को सोचना है हर चीज को केवल पढ़ के छोड़ नहीं देना उसको यूज करना है। तो बच्चे क्या हो गया यानी सबसे पहले भूमि तो अब मुझे बताइए अगर इस इस अपनी क्लास का एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूं तो क्या एक रूम है या रूमी, या रूम क्या है जहां मैं खड़ा हूं जहां पर ये पैनल लगा जिस दीवार पर ये पैनल लगा हुआ है वो क्या है वो भूमि ही तो है तो आप देख सकते हैं बगैर भूमि के ये पैनल लग नहीं सकता था तो इस पैनल को लगाने में आप तक क्लास पहुंचाने में भूमि महत्वपूर्ण भूमिका में यानी इस कमरे में ये पैनल लगा हुआ इसका मतलब भूमि फिर इसके बाद दूसरा श्रम यानी मेरा लेबर और इसके बाद पूंजी यानी ऑब्वियस है इस पैनल को खरीदने के लिए पैसा और इस पैनल को बनाने वाला उद्यमी इन चारों के बगैर यह क्लास जो मैं आपको दे रहा हूं यह संभव नहीं हो पाता इस चीज को ध्यान रखिएगा तो भूमि यानी कच्चा माल श्रम अब क्यों हम बात करते हैं क्या ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हम स्किल इंडिया मिशन क्यों आखिर स्किल इंडिया मिशन की आवश्यकता क्या है कौशल विकास के लिए सरकार के इतने इनिशिएटिव का इंपॉर्टेंस क्या क्यों क्योंकि कौशल से हमारा श्रम जो होगा वो क्या होगा अपग्रेड होगा और वो ज्यादा उत्पादन करेगा क्यों तो यह जो कौशल विकास के कार्यक्रम चलते हैं वह इसीलिए चलते हैं चूंकि वो जो श्रम है वह उत्पादन का एक महत्वपूर्ण कारक है और इसको हमेशा अपग्रेड करते रहना चाहिए और पूंजी ऑब्वियस है कि बिना पूंजी के क्या हम उत्पादन की संभावना के बारे में विचार कर सकते हैं क्या बगैर पैसे के आप किसी चीज को अपने घर में ला सकते हैं आप कहेंगे नहीं तो पूंजी महत्वपूर्ण उत्पादन में और उसके साथ साथ उद्यमी अब भाई पूंजी महत्वपूर्ण इसलिए तो हम एफडीआई एफडीआई एफ डी आई करते रहते हैं पूंजी महत्वपूर्ण है एफडीआई एफडी आई इसलिए तो करते हैं अब इसके बाद आता है उद्यमी यानी अगर आपके पास भूमि भी है श्रम भी है पूंजी भी है लेकिन कोई कोई उद्यमी नहीं है जो इन तीनों फैक्टर्स को एक साथ ला करके और उत्पादन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए तो क्या उत्पादन हो पाएगा आप कहेंगे नहीं यानी उद्यमी महत्वपूर्ण है तो ये हो गए फैक्टर आप प्रोडक्शन आपको पढ़ते समय इन चारों पर दिमाग बनाए रखना है सरकार ने लैंड रिफॉर्म के लिए क्या क्या किया है सरकार ने लेबर रिफॉर्म के लिए क्या क्या किया है। सरकार ने कैपिटल लाने के लिए यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कहेंगे कैपेक्स यानी कोविड के बाद सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है क्यों, क्यों कर रही क्योंकि कैपिटल उत्पादन का एक प्रमुख कारक है और वह चाहती है कि निजी क्षेत्र भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करे क्यों क्योंकि कैपिटल उत्पादन का एक प्रमुख कारक है रघुराम राजन महोदय ने एक स्टेटमेंट दिया अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2022 के क्वार्टर के आधार पर जो एनएसओ का डेटा हमारे सामने आया था जिसमें कहा गया कि भारत की जो जीडीपी है इस क्वार्टर में यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 4.4 प्रतिशत की ग्रोथ रेट दर्ज कर रही है उसी बेस को लेते हुए रघुराम राजन महोदय ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था हिंदू ग्रोथ रेट की तरफ खतरनाक ढंग से बढ़ रही है हिंदू ग्रोथ रेट यानी साढ़े तीन से चार परसेंट की इकोनॉमी की समृद्धि दर जो हमने 1950 से 1980 के बीच में अर्जित की थी सिंपल सी बात हम वहां पहुंच रहे हैं तो उन्होंने क्या कहा था उन्होंने इसके पीछे तर्क क्या दिया कि मैं जो कह रहा हूं यानी रघुराम राजन महोदय जो कह रहे हैं उसके पीछे तर क्या था उन्होंने यही कहा ना कि भैया वैश्विक रूप से मंदी है तो जो वैश्विक रूप से मंदी है तीन कारण बताए थे उसमें एक उन्होंने क्या कहा था यानी वैश्विक मंदी एक उन्होंने कहा था यानी क्या है जो ब्याज दर है वो बहुत ज्यादा है ऐसा उन्होंने रीजन बताया लेकिन एक उन्होंने क्या कहा कि वैश्विक मंदी जो वैश्विक मंदी है तो हमारे देश में एफडीआई कैसे आएगी जो आनी है तो कम आएगी सिंपल सी बात है तो वो भी यही कह रहे हैं कि यानी पूंजी की कमी रहेगी हिंदुस्तान के पास इसलिए समस्या आएगी ठीक है तो सिंपल सी बात है कोई भी तर्क कोई भी अर्थशास्त्री दे अब उसको उसको हम लोगों ने खंडित भी किया कि नहीं उनका कहना केवल एक क्वार्टर के आधार पर यह बिल्कुल भी सही नहीं है हिंदू ग्रोथ रेट को हमने 1980 के दशक में ही पार कर लिया था अब हम वहां कहां जाएंगे जबकि आईएमएफ की हेड यह कहती हैं कि भारत संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था का सिरमौर बना रहेगा और जितनी भी रेटिंग एजेंसियां हैं जितनी भी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थान है आई एम एफ वर्ल्ड बैंक हो एडीबी हो, हो सबने कहा है कि विश्व औसत से भारत की जो आर्थिक समृद्धि वो बहुत ज्यादा रहेगी तो हमने उनको खंडित भी किया तो खंडन करने का भी आधार यही है कि भारत में यानी भूमि श्रम पूंजी उद्यमी ये सब अभी बैलेंस है तो आप देख सकते हैं इकोनॉमी को इस प्रकार से एनालिसिस करने की क्षमता आपको मेरे प्यारे बच्चों डेवलप करनी है यही मैं चाहता हूं आप डेवलप करें और फिर इसके बाद यानी हमने इतना पढ़ा सारा कुछ अब उत्पादन के कारक तो उत्पादन की लागत भी होती है हर एक उत्पादन की लागत होती है कैसे लागत होती भैया भूमि है तो आप किराया देंगे यानी रेंट देंगे तो ये होता है उत्पादन के कारक और हर कारक पर एक लागत भी लगती है किराया देंगे ठीक है अब ऐसे मान लीजिए किराया महंगा हो गया किराया महंगा हो गया तो जो भी वस्तु उत्पादित होगी क्या उत्पादक अपनी जेब से पैसा लगाएगा वो उस वस्तु का उत्पादन जो कर रहा है उसका रेट बढ़ा देगा क्यों बढ़ा देगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन की लागत बढ़ गई है क्या हो गया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन की लागत बढ़ गई है। और जब वो रेट बढ़ा देगा हम लोगों को महंगे में मिलेगी तो यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे प्रश्न पूछेगा कि भैया ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है लागत जन्य मुद्रा स्फीति क्या होती है तो लागत जन्य मुद्रा स्फीति यही होती है बच्चे जब इस भूमि का किराया बढ़ा दिया जाए जब श्रम यानी जो श्रमिक है कह दे कि हमारा वेतन बढ़ाइए जब श्रमिकों का वेतन बढ़ जाए समझ में आया कि नहीं आया है? तो इस हिसाब से आप लोगों को देखना है तो भूमि का किराया श्रम जो भी होता है इसको क्या मिलता है वेतन मिलता है इसको सैलरी मिलती है पूंजी पर ऑबियस है यानी इंटरेस्ट मिलता है और उद्यमी क्या लेता है ऑबियस है प्रॉफिट लेगा जो भी उत्पादन वो करेगा तो ये सब क्या होती हैं लागत होती है तो उत्पादन के कारक उत्पादन की लागत ये सारी बातें आपको दो तीन बार सुननी होगी और फिर आप देखें इकोनॉमिक्स आपको कैसे समझ में आता है तो आज की ये क्लास इसी बेसिक इकोनॉमिक्स पर आधारित है जो मैंने आपके सामने रखी एक बार मैं फिर से बता देता हूं इकोनॉमिक्स में प्रीलिम्स अगर आप पास करना चाहते हैं यानी 17 से 20 क्वेश्चन हल करना चाहते हैं तो आपको किस पर फोकस रहना है एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन मैंने बताई उस डेफिनेशन को जो मैंने इकोनॉमिक सर्वे पर सेट किया पहला चीज ये लिख लीजिए दूसरा चीज आता है मेरे प्यारे बच्चों हम क्या पढ़ते हैं यानी जीडीपी के ग्रोथ इंजन सॉरी दूसरी चीज हम क्या पढ़ते हैं भारत मतलब आर्थिक प्रणाली इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं पूंजीवादी समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था इसको आपको देखना है तीसरा जीडीपी के ग्रोथ इंजन या भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र चार क्षेत्र सरकारी निजी घरेलू और वाय क्षेत्र और फिर अगला हम पढ़ते हैं समस्त आर्थिक स्थिरता सूचकांक और उसके बाद हम पढ़ते हैं उत्पादन के कारक और हर उत्पादन के कारक की लागत यही अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर है तो आप इकोनॉमी बहुत आसानी के साथ सीख पाएंगे और यही बात आगे नोट्स में लिखी हुई है जिसको आप स्वयं पढ़ सकते हैं क्या कर सकते हैं जिसको आप स्वयं पढ़ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों यानी स्टडी ऑफ हाउ अब ये वही बात लिखा हुआ अर्थशास्त्र क्या है तो मैंने आपको बता दिया यानी जो भी इस पृथ्वी पर संसाधन है वह अपर्याप्त है कि वह समाज के सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और समाज में मानव भी शामिल है अन्य जीव जंतु भी शामिल है इसीलिए अर्थशास्त्र दुर्लभ संसाधनों का अध्ययन करता है और यह सिखाता है कि समाज किस प्रकार से जो संसाधन है उसका बेहतर ढंग से नियोजन करे और आर्थिक प्रणाली को आगे बढ़ाए इसीलिए आप देखिए जैसे ही हम आजाद हुए हमने प्लानिंग कमीशन बनाया क्यों बनाया क्योंकि जो व्यवस्था कहती है कि संसाधन सीमित है उस सीमित संसाधनों का बेहतर प्रबंधन किया जा सके इसलिए आजादी के बाद हमने योजना आयोग का गठन किया जिसने हमें बारह पंचवर्षीय योजनाएं दी बारह पंचवर्षीय योजनाएं अब आपको समझ में आया कि प्लानिंग कमीशन का गठन क्यों किया गया था इसीलिए कि संसाधन दुर्लभ है इन संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कैसे किया जा सके जिससे समाज की आवश्यकताएं पूरी हो सके और राष्ट्र समृद्धि की ऊंचाइयों को छू सके और जब हमने प्लानिंग कमीशन को भंग किया उसकी जगह नीति आयोग को लाया तो नीति आयोग भी इसी उद्देश्य से आया कि संसाधन सीमित हैं इन संसाधनों का कुशल प्रबंधन आवश्यक है और इसी का अध्ययन हमारे अर्थशास्त्र तो में करते हैं आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे ये सब आप पढ़ लीजिएगा एक प्रश्न का उत्तर दीजिए इतने लेक्चर के बाद देखो आप लोग दे पाते हैं कि नहीं एक और एक बार मुझे बताइएगा कि क्या ये कलर आप लोगों के लिए सही है या मैं चेंज करवा दूं एक एक बार बच्चों प्लीज बताइएगा ठीक है एक बार ये बताइएगा प्लीज एक बार बताएं प्लीज ठीक है कि क्या ये ठीक है या इसको मैं कलर को चेंज करवा दूं बच्चों ठीक है तो एक प्रश्न है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन अर्थशास्त्र संसाधन वितरण का अध्ययन है जहां सॉरी संसाधन असीमित है जहां संसाधन असीमित है संसाधनों का स्वामित्व व्यक्तियों के बीच बेतरतीब ढंग से आवंटित किया जाता है फटाफट इसका आंसर आप लोग दें और आज के लेक्चर में मैं ये कमेंट चाहूंगा आप लोगों के कि क्या इसी पैटर्न पर मैं फ्री हैंड पढ़ाऊं जरूर बताइएगा यानी जो बातें मैंने बताई वो यहां सब लिखी हुई लेकिन मैंने उसका सहारा नहीं लिया क्या फ्री हैंड पढ़ाऊं जिससे आप ज्यादा से ज्यादा समझ पाए ठीक है एक बार जरूर कमेंट करके बताएं सभी बच्चे फ्री हैंड क्या फ्री हैंड या फुल हैंड यानी कंटेंट के साथ तो फ्री हैंड अगर पसंद है तो इसी हिसाब से मैं क्लास लेने को रेडी हूं जैसा मैंने यहां पर लिया है एक एक चीज आपको समझा दी है तो बट ये कमेंट करके आप बताएंगे तभी मैं समझ पाऊंगा और कल होली भले है मैं भी हो सकता है हिंदू अटके लेकिन ये क्लास नहीं अटकेगी मैं लूंगा जरूर क्योंकि नौ बजे तक होली होली सब हो जाएगी ठीक है नशापत्ती पत्ती में करता नहीं हूं तो मेरे लिए सब ठीक है नौ बजे तक होली होली खेल करके और फिर हम लोग यहां पर रहेंगे क्योंकि मुझे पॉलिटी का हमारा वीडियो स्ट्रीच हो रहा है एम लक्ष्मीकांत वाला तो प्लीज आप इधर उधर कहीं मत भटकिए जो मुझे फॉलो करें पॉलिटी का एक साथ रिवीजन करने का 20-22 घंटे का लेक्चर 25 घंटे का आपके सामने आ रहा है 30 घंटे का भी हो सकता है आप उसको देखेंगे उसके साथ इकोनॉमिक्स मुझसे यहां पढ़ेंगे और इन्हीं दोनों विषयों पर इस साल पूरा फोकस बाकी आप पढ़ी रहे मैंने सारा रास्ता बताया हुआ है आप लोगों को ठीक है प्लीज बच्चे कमेंट करके बताइएगा कि क्या इसी टाइप की फ्री हैंड क्लास चाहते हैं तो फिर इसी प्रकार की फ्री हैंड क्लास मैक्सिमम मैं कोशिश करूंगा आपको दू क्योंकि कंटेंट तो लिखे हुए हैं ठीक है इस प्रश्न का उत्तर दे इसको आप पढ़ सकते हैं इसको मैं आपको शेयर कर दूंगा कंटेंट ठीक है इससे क्या होगा ना बहुत कम समय में क्लास खत्म हो जाएगी जैसे देखिए अभी चालीस मिनट हुआ मुझे क्लास पढ़ाते हुए और जो भी कंटेंट है वो सब खत्म हो चुका तो क्या आप लोग इस बात के पक्षधर हैं ठीक है इसका आंसर है डी नन ठीक है और क्या इस बात के पक्षधर हैं कि अगर मैं सब समझा दूं और कंटेंट दे दूं जैसे अर्थशास्त्र की शाखाएं माइक्रो मैक्रो तो हमारा पूरा फोकस मैक्रो पर इसलिए मैक्रो पढ़ने की जरूरत नहीं है यूपीएससी का पाठ्यक्रम मैक्रो इकोनॉमी के बारे में है तो हमें इसी पर फोकस करना समस्त अर्थशास्त्र का मतलब होता है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन ठीक है अब ये देख सकते हैं आप अब आर्थिक प्रणाली के बारे में बातचीत किया गया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था तो तीन अर्थव्यवस्थाएं आपके सामने हैं बच्चों अब जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यहाँ पिक्चर से भी आप देख सकते हैं ठीक है जहां पर जो जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है निजी रूप से किया जाता है यानी निजी स्वामित्व होता है और यह प्रॉफिट के लिए संचालित होता है इसीलिए यूपीएससी आपसे प्रश्न भी पूछता है दो बारी प्रश्न पूछा गया जैसे जीएस दो हजार चौदह में पूछा गया क्या पूछा गया पूंजीवाद एक बार आप पढ़िए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तो अब आप देख सकते हैं ये सारे मैंने स्टार्टिंग में में बता दिए और बाद में कंटेंट दिया गया है तो कम समय में यानी आपका समय कम लगेगा लाइन बाय लाइन पढ़ाने में यही समस्या होती है कंटेंट में टाइम ज्यादा लगता है ठीक है तो कम टाइम में हमारा तैयार हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है यानी इसे हम बाजार अर्थ व्यवस्था भी कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति और निजी फर्म उत्पादन और खपत के बारे में प्रमुख निर्णय यानी व्यक्ति सरकार नहीं और निजी फर्म कितना उत्पादन करेंगे कितना कन्ज, इसका कंजम्शन होगा उसका डिसीजन व्यक्ति और निजी फर्म लेते हैं याद रखिएगा ठीक है ना क्लियर बच्चों तो ये हो गया मार्केट इकोनॉमी जिसमें सरकार की भूमिका अत्यंत न्यून लॉ एंड ऑर्डर और, और, और गवर्नेंस तक ही होती है याद रखिएगा तो अब ये सारी बातें ठीक है।, है यानी सरकार अपने हाथों को आर्थिक निर्णयों से दूर रखती सरकार इकोनॉमी में हस्तक्षेप नहीं करती जिसे हम क्या कहते हैं लेजेंस फेयर इकोनॉमी या अहस्तक्षेप अर्थव्यवस्था इसका मतलब है सरकार का इसमें न्यूनतम हस्तक्षेप होता तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कोई बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं उसी को अहस्तक्षेप वाली अर्थव्यवस्था भी कहते हैं तीनों के मायने एक ही है कंफ्यूज मत हो अब इसमें सरकार की भूमिका अत्यंत कम होती है याद रखिएगा ठीक है बिना किसी हस्तक्षेप के काम करने की यह व्यवस्था है और यह फ्री मार्केट यानी मुक्त बाजार यानी जो वस्तुओं और सेवाओं का पूरा सिस्टम है यह डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चले जिसमें सरकार के यानी बाजार में जैसी डिमांड वैसी सप्लाई इसी सिद्धांत पर यह आर्थिक सिद्धांत काम करता है यह या आप याद रखिएगा ठीक है तो यह सारी बातें हैं जो आप देख सकते हैं इसमें कुछ फैक्ट फैक्ट्स बताए गए सब आप मत पढ़िएगा क्यों अपना टाइम खराब करेंगे तो हम लोग रखते हैं अब ऐसे ही जैसे आपको चौंकाने के लिए नहीं होता कि क्या आपको पता है कि ये जो लेजर फेयर हद तक चीफ है ये कब पैदा हुआ जैसे youtube पर सनसनी फैलाने के लिए होता ना youtube पर सनसनी फैलाना इसको बोलते हैं। क्या आपको पता है कि लुई यानी फ्रांस का शासक लुई 14th के समय में लुई 14th के जो यानी फाइनेंस मिनिस्टर था वह क्या नाम था उसका जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ड ठीक है उसने सबसे पहले उसी के स्टेटमेंट में यह शब्द आया है लेजर्स फेयर तो क्या मतलब ये तो बस मैंने इसलिए लगाया कि इकोनॉमिक्स जब मैं भी यूट्यूब पर पढ़ाता हूं तो जैसे कुछ न कुछ लेक्चर आ जाते हैं तो हल्का सा आदमी पिन कर ही देता है देखिए क्या है तो उसमें इसी टाइप की बातें होती हैं तो जो सीरियस बच्चे हैं इस प्रकार का फैक्ट पढ़ने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है हमारा फोकस यूपीएससी को क्लियर करना ठीक है इस प्रकार की विद्युता में हमें नहीं जाना वो मेंस के टाइम पर जो कुछ यूज करना है जैसे अर्थशास्त्र के जितने नोबेल पुरस्कार विजेता है उनमें से कौन कौन हमारी यूनिट्स में आ रहे हैं सिलेबस की वो सारी चीजें मैं लगाऊंगा इसके अलावा बाकी बस ये इसलिए दिखा दिया गया कि आपको हाँ कि यह करना दुनिया का सबसे आसान काम होता है कंटेंट उठाया चिपका दिया ठीक है तो अब जैसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पढ़े यानी यहां पर सब कुछ बाजार निर्धारित कर रहा है सरकार की भूमिका नहीं और समाजवादी में सब कुछ सरकार निर्धारित कर रही है बाजार की भूमिका नहीं और फिर एक तीसरा सिस्टम आता है मिश्रित जिसमें यानी पूंजीवादी यानी बाजार अर्थ व्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के अभिलक्षण दिखाई पड़ते हैं जो हमारे हिंदुस्तान की है तीनों आपने पढ़ा ठीक है अब आप सोचिए क्या हम केवल पूंजीवाद पर विश्वास कर सकते जो कि केवल लाभ के सिद्धांत पर काम करता है या केवल समाजवाद यानी अगर सरकार ही समस्त संसाधनों पर नियंत्रण करेगी तो व्यक्तिगत मोटिवेशन व्यक्तिगत प्रेरणा आएगी क्या इन्वेस्टमेंट करने की आपको लगेगा अरे यार कोई फायदा ही नहीं या, तो अधिकतम लाभ का सिद्धांत ही नहीं तो इंसान क्या करेगा इन्वेस्टमेंट करने की प्रवृत्ति से दूर भागेगा तो पूंजीवादी व्यवस्था भी एक एक्सट्रीम एक कॉन्सेप्ट समाजवादी भी एक एक्सट्रीम है तो महात्मा बुद्ध ने कहा ना मध्यम मार्ग तो हमारे पास मध्यम मार्ग क्या मिश्रित जिसमें दोनों को अपनाया गया और हिंदुस्तान ने अपनाया सिंपल सी बात है तो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट अब देखिए इसी पर एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा तो जो बच्चे मुझे फर्स्ट टाइम फॉलो कर रहे होंगे उनको अच्छा लगेगा और उनको यह भी अच्छा लगेगा कि जब मेन्स आंसर राइटिंग का जो मैं बैच लॉन्च हो चुका है आप एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर सकते एनरोलमेंट कर सकते हैं बैच लॉन्च हो चुका है आप देखेंगे जब मैं वहां आंसर राइटिंग कराऊंगा तो आप सोचिए कि कितना वर्ष आंसर राइटिंग होगा यानी एक ऐसे अध्यापक से आप आंसर राइटिंग करने जा रहे हैं हमेशा करिएगा देखिए मैं ऑन रिकॉर्ड बात बोल रहा एक ऐसे अध्यापक से आंसर राइटिंग करिए बच्चों मतलब आप मुझसे करेंगे तो जिसका आप सारे विषय यहीं यूट्यूब पर अवेलेबल है निबंध भी एथिक्स भी इकोनॉमिक्स भी और हिंदू में प्रतिदिन कुछ न कुछ इंटरनल सिक्योरिटी गवर्नेंस सोशल जैसे कुछ न कुछ चलता ही रहता है हिंदू का पूरा एनालिसिस हिस्ट्री का मैं यानी यूजीसी नेट क्वालिफाई सब कुछ उसी से मैंने अपने सारे मेंस लिखे इंटरव्यू दिया हिस्ट्री से और हिंदी लिटरेचर से तो सारे विषय मेरी कमांडिंग पोजीशन में तो आप जब मेरे साथ आंसर राइटिंग करेंगे भले आपने मुझसे कोचिंग की है नहीं की है या आपके पास पैसा ही नहीं कोचिंग करने का अगर आप आंसर राइटिंग करें आप कहा जाएंगे आप सोचिए कितने मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से मैं एक प्रश्न का उत्तर लिखवाऊंगा आप सोचिए तो आपको अच्छा लगेगा और बनिस्पत अगर मान लीजिए कोई केवल हिस्ट्री का विशेषज्ञ कोई केवल पॉलिटी का खुद विचार करिए अगर कोई एक व्यक्ति एक्स हिस्ट्री का है पॉलिटी का है एक्स अब आप मुझे बताइए क्या वह कई विषयों को एक साथ इंटरलिंक कर पाएगा अब आप कहेंगे कि सर फिर आप क्या बताना चाहते हैं कि आप बहुत विद्वान नहीं 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 मैं आई एम बिग जीरो आई एम बिग जीरो मैं बिग जीरो हूं ये मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि मैं बिग जीरो हूं बड़ा वाला शून्य हूं लेकिन आप खुद सोचिए जब आप छे से आठ विषय खुद लिख करके यानी चार जीएस के पेपर उसके अंदर कितने कितने खंड ए से दो ऑप्शनल इतना उसके साथ साथ कंपल्सरी आप अकेले लिखने का मादा रख करके और रैंक लेना चाहते हैं तो क्या आपके सामने का अध्यापक आप ही के कैलिवर का होना चाहिए कि नहीं जो इन सभी विषयों में एक साथ पारंगत हो जिससे वो जीएस वन सोसाइटी पढ़ाए तो गरीबी और विकासात्मक विषय जीएस टू गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय जीएस थ्री समावेशी विकास से संबंधित विषय और जीएस फोर में इन चारों में गरीबी और विकास को कनेक्ट कर सके आप खुद सोचिए सिलेबस कह रहा है कि इंटरलिंकिंग डेवलप करो मैं नहीं कह रहा हूं ठीक है मैं बस सच्चाई आपको बता रहा हूं जिन बच्चों को समझ में आ जाएगा बल्ले बल्ले नहीं तो कोई बात नहीं जैसा आप चल रहे इसीलिए मैंने कहा मात्र पांच तो सौ रुपए के आसपास फीस है आप सोचिए ओनली फाइव हंड्रेड के आसपास फीस है अन अकेडमी ने अभी तक कभी क्या ऐसी कोई फीस रखी थी ये मैं बेंगलुरु गया रिक्वेस्ट किया कि मुझे मेरे बच्चों के लिए इतनी कम फीस चाहिए और अन अकेडमी मेरी बात मान गई मैं धन्यवाद करता हूं अन अकेडमी का और आप सब भी करिए इस इस बात के लिए अन एकेडमी का कोई भी कोर्स इतने सस्ते में कभी आया मुझे बताइए हमारी पॉलिसी ही नहीं है लेकिन मेरे कहने से इसी बात के लिए मैं बेंगलुरु गया मैंने जाने से पहले आप लोगों से कहा था कि नहीं जना बताइए कि बच्चों जा रहा हूं बहुत सी बातें करने और सारी बातें आपके हक के लिए और हमारी कंपनी आपकी चिंता आपकी स्थिति को समझती है जिससे मेरे एक बार कहने पर उन्होंने तुरंत आकर हाँ दिया यानी विचार ही नहीं किया कि आप जाइए यानी पहली मीटिंग में ही ये मेरी बातें मान ली गई इतना सस्ता कोर्स इसीलिए मैं लेके आया क्योंकि मुझे पता है कि मेरा इंटरलिंकिंग क्वालिटी अच्छी है मैं हर उस बच्चे तक पहुंचाऊं जो मुफ्त फीस दे के नहीं आ पा रहा तो 500, 600 रुपया महीने वो पे कर सकता है अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं आप लोग खुश सोचिए कि हमारा कोई भी कोर्स क्या कभी इतना सस्ता रहा एक कोर्स का नाम बताइए मैं अक्रॉसडमी के सभी कोर्स की बात कर रहा हूं यूपीएससी कैटेगरी में किसके लिए आप ही के लिए अनकेडमी ने किया ना ठीक है यह चीजें बच्चे अब हम आगे बढ़ते हैं अब देखिए प्रश्न कैसे पूछ रहा है हालांकि मैंने कहा था मैं मेंस का जिक्र नहीं करूंगा लेकिन जरा प्रश्न पढ़िए 2014 पूंजीवाद आए हैं देखिए जिस बच्चे को पूंजीवाद का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा क्या इस प्रश्न को, को, को समझ पाएगा जिसको समाजवाद का कॉन्सेप्ट नहीं पता समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या इस प्रश्न को समझ पाएगा जिसको मिस्त्रित अर्थव्यवस्था का नहीं पता क्या इस प्रश्न का उत्तर लिख पाएगा समझाता हूं पूंजीवाद ने विश्व अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व समृद्धि की ओर निर्देशित किया यानी कह दिया गया है कि भाई पूंजीवाद ने वर्ल्ड का जो ग्रोथ है जो डेवलपमेंट है उसे बड़े स्तर पर फैलाया है ऑबवियस जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो तो इसी फार्मूले पर काम कर रही थी भला हो 1929-30 में आई आर्थिक महामंदी का जहां पर एडम स्मिथ का भूत उतरा जहां पर एडम स्मिथ का भूत उतरा और सरकार की भूमिका को इकोनॉमी में महत्वपूर्ण माना जाने लगा क्यों क्योंकि मुक्त अर्थव्यवस्था पर आधारित जो सिस्टम चल रहा था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो बिना हस्तक्षेप के चल रही थी वह उन्नीस सौ तक आते आते डूब गई फिर अर्थशास्त्री कौन आते हैं जॉन मेनार्ड किंस और वो कहते हैं कि भाई सरकार की भूमिका भी महत्वपूर्ण है और जब मंदी की स्थिति हो तो सरकार को अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और फिर सरकारों ने अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट किया और कोविड के टाइम पर भी जान मेनार्ड मेनाडकिस फिर से जिंदा हुए जब भी मंदी आती है बाजार या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का खोखलापन साबित हो जाता है क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अधिकतम लाभ के सिद्धांत पर काम करती है आपको पता है और जैसे ही मंदी आती है पूंजीवादी जो फर्मे हैं जो व्यक्ति हैं जो संगठन जो कंपनियां हैं उनको लगता है भैया अब अधिकतम लाभ तो होने वाला है नहीं वो क्या करती है अपना इन्वेस्टमेंट रोक देती है जिसको हम लोग पढ़ते हैं कैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा कि भाई हमने कारपोरेट टैक्स को कम कर दिया संपूर्ण विश्व में सबसे न्यूनतम कारपोरेट टैक्स हमारे यहां है इसके साथ साथ हमने क्या किया हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई जैसी स्कीमें भी लाई जिसमें हम उत्पादन को प्रोत्साहित कर रहे हैं उसके बाद भी जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो हनुमान छलांग हनुमान लीप नहीं लगा रहे हैं जैसे हनुमान ने छलांग लगाई और पहुंच गए श्रीलंका जैसे ही जामंत ने उनको उनकी शक्ति बताई तुम तो अकेले ही पार कर सकते हो उड़के चले गए ऐसा प्राइवेट नहीं कर रहा क्यों क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पोषक है मंदी आती है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कलई खुल जाती है तो वही चीज यहां पर है मेरे प्यारे बच्चों पूंजीवाद ने विश्व अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व समृद्धि की ओर यानी अच्छी बात है इकोनॉमिया मजबूत हुई है इससे हालांकि यह अक्सर अदूरदर्शिता को प्रोत्साहित करता है और अमीर और गरीब के बीच व्यापक असमानता में योगदान देता है अच्छे से आपने पढ़ा ना आप कहेंगे यस वर्ल्ड इकोनॉमिक जो भी विश्व असमानता रिपोर्ट वर्ल्ड जो इनइक्वालिटी रिपोर्ट है लगा दीजिए कि गरीब और अमीर में कितना अंतर है ऑक्सफैम की रिपोर्ट है इस आलोक में क्या भारत में समावेशी विकास लाने के लिए पूंजीवाद पर विश्वास करना और उसे अपनाना सही होगा चर्चा कीजिए 2014 का क्वेश्चन इस प्रकार के प्रश्न तो हम बताएंगे कि पूंजीवाद महत्वपूर्ण है क्यों क्योंकि अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया अरे पूंजीवाद मतलब क्या पूंजी पर आधारित विचारधारा तो पूंजी तो महत्वपूर्ण है ना क्यों क्योंकि वो उत्पादन का एक महत्वपूर्ण कारक है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो पूंजी है कि नहीं लैंड लेबर कैपिटल है कैपिटल पूंजी तो पूंजी तो महत्वपूर्ण है समावेशी विकास के लिए लेकिन उसके साथ साथ महत्वपूर्ण है सरकार का हस्तक्षेप और इसीलिए भारत सरकार ने समावेशी विकास के साथ आए अर्थव्यवस्था की पद्धति को स्वाधीनता के पश्चात भारतीय आर्थिक पद्धति के रूप में अपनाया है कैसा रहा बच्चों और फिर हम बहुत से पॉइंट से एग्जाम्पल से यानी सरकार की जितनी स्कीमें सरकार जितनी स्कीम पीछे से मनरेगा या उसके पहले से जितनी भी स्कीम है सबका एग्जाम्पल और अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पीएम स्वनिधि जितना भी है सब डालिए तो समावेशी विकास के लिए मिश्रित अर्थ व्यवस्था ज्यादा महत्वपूर्ण तो इस हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों आपको इकोनॉमिक्स को करना है मूल कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने रख दिया अब देखो 2014 में यह आया और 2015 में क्या आ गया निबंध आ गया सेम अब आप सोचिए अगर मैं चारों पेपर पर कमांड रखता हूं ऐसे पर अच्छा कमांड रखता हूं तो आंसर राइटिंग किस लेवल का होगा देख सकते हैं आप? यही टॉपिक एक लाइन में आ गया क्या पूंजीवाद द्वारा समावेश विकास हो पाना संभव है कैन कैपिटलिज्म ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ अब आप देखिए यानी यही आखिरी लाइन है कि नहीं है क्या भारत में समावेशी विकास लाने के लिए पूंजीवाद पर विश्वास करना और उसे अपनाना सही होगा चर्चा कीजिए ठीक है फटाफट बताइए बच्चों सेम यही प्रश्न तो ये है यूपीएससी ये यूपीएससी की जर्नी तो प्लीज ये बहुत इजी है इसको आप लोग कर लीजिएगा बाकी सारा कॉन्सेप्ट है एक एक चीज ठीक है ना और उम्मीद करता हूं कि आप सब समझ गए होंगे और ये ये देखिए कंटेंट में क्या फोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी वही सारी बातें हैं जो मैंने आपको पहले बता दी सरकारी क्षेत्र क्या होता है ठीक है इसके बाद निजी क्षेत्र क्या होता है ठीक है ना निजी क्षेत्र के उद्यम क्या होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ये सब नोट्स आपको भेजूंगा पढ़ लीजिएगा और इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर वन आप लोगों को फिर से मेरे कहने पर एक बार रिवीजन कर लेना है ठीक है बच्चों फिर घरेलू क्षेत्र क्या होता है और इसके बाद बाहरी क्षेत्र क्या होता है सारी बातें आपको बताई गई हैं और इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर ग्यारह करेंगे तो बाहरी क्षेत्र के बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और ये मैं करा चुका हूं इसलिए दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं है ठीक है बच्चों अब अंत में प्रोफेसर सुनील अभिव्यक्ति यानी मेरे द्वारा प्रारंभ किए जा रहे कोर्सेस तो ये कोर्स लॉन्च हो चुके हैं जो भी बच्चे 2024 25 का फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं यानी एनसीआरटी से और कंप्लीट यूपीएससी की यूनिट तक प्रीलिम्स और मेंस बोथ तो वो मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है एडमिशन ले इसके अलावा जो बच्चे मेंस और इसकी फीस है नौ सौ निन्यानबे बीस हजार से कम आप सोच लीजिए पूरा एक साल की फीस और इसके बाद जीएस मेंस उत्तर लेखन कार्यक्रम जीएस वन से फोर यूनिट वाइज यह स्टार्ट हो रहा सॉरी पच्चीस मार्च को और इसकी फीस है बहुत कम यानी पांच के आसपास कल बता दूंगा और ऐसे तीन अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है जिसमें बिहार पीसीएस यूपी पीसीएस और आई तीनों पर फोकस करूंगा और यह स्टार्ट हो रहा है तीन अप्रैल को दोपहर में तीन बजे सारे कोर्सेज आपके सामने हैं और उम्मीद करूंगा कि आप सब जरूर पढ़ेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सारी चीजें आपको बताई जा चुकी भूमि क्या होता है आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया श्रम क्या होता है आपको स्टार्टिंग में बता दिया पूंजी क्या होती है मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया उद्यम क्या होता है यह मैंने आपको बता दिया मेरे प्यारे बच्चों तो उम्मीद करता हूं यह नोट्स में शेयर करूंगा आप पढ़ेंगे और कमेंट में जरूर बताएंगे क्या यह पद्धति अच्छी है स्टार्टिंग में सारे कॉन्सेप्ट में फ्री हैंड बता दूं उसके बाद फिर आपको कंटेंट दे दूं उसको आप अच्छे से पढ़ लें क्या यह पैटर्न पसंद आया पसंद आया तो कमेंट कर दीजिएगा जिससे मुझे पता लग जाए और हम लोग बहुत कम समय में यानी हो सकता है कि इसी मार्च में इकोनॉमिक्स को समेट दें जिससे आपको अप्रैल में और रिवीजन करने का मौका मिले अन इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म होली या चल रहा है फटाफट फटा एडमिशन ले और यूपीएससी की तैयारी को आगे बढ़ाए थैंक यू सो मच जय हिंद लेट्स गॉड वन बहुत बहुत प्यार बहुत बहुत आशीर्वाद थैंक यू सो मच कमेंट जरूर कर दीजिए